बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। मतलब इनफैक्ट मुझे ये खबर दिया गया है यहाँ पब्लिक के द्वारा, और खबर मिलते ही यहाँ पे तुरंत ही पेट्रोलिंग व्हीकल कोडाना एसएचओ टाउन एसएचओ साथ में एडिशनल एसपी को भेजा गया, और लोग तुरंत आए भी हैं, और जो भी जख्मी व्यक्ति थे उनको अभिराम जी को लेकर जाया भी गया है। वहाँ से डॉक्टर ने अपने एम्स रेफर भी किया, और उसके बाद ले जाने के क्रम में ही शायद मृत्यु हुई है। उसके बाद यहाँ पे अभी घर पे बॉडी है, हम लोग आए हैं उस चीज़ को लेते हुए। जहाँ तक इस घटनाक्रम में शामिल अभियुक्तों का सवाल है, तो ये सेम ही घटनाक्रम इसके आसपास नीमा जो गांव है मसौढ़ी थाने में पड़ता है वहाँ भी किया गया है। पुरानी दुश्मनी की इसमें बात सामने आ रही है, और जो अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, उनके जो भी इसमें साथी शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यहाँ पर जो शामिल है वो भी, और वहाँ पर जो शामिल है वो भी, सीएनएससी पटना से हम लोग समन्वय में हैं, और हम दोनों की जो ज्वाइंट टीम है उसको एक ज्वाइंट टीम हम लोग बनाएंगे समन्वय के साथ, और ये ज्वाइंट टीम इसमें शामिल मुख्य अभियुक्त जो इसके साजिशकर्ता हैं और उनके साथ के जो साथी हैं उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कारण क्या लग रहा है सर, कुछ अभी पता चल रहा है? नहीं, कारण इसमें पता चला है, पुरानी जो है दुश्मनी चल रही है, साथ में धनरुआ में जो मकान है उस मकान को भी गिराने की बात आ रही है अभियुक्तों के द्वारा, और इससे पहले भी दो चार घटनाएं दोनों के बीच में हुआ है, उसी के रिटेलिएशन में जो बात आ रही है कि यहाँ पे ये घटना और मसौढ़ी में घटना की गई है, जो कि रिश्ते में चाचा भतीजा लोग लगते हैं, और हमारा इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जल्दी इसमें गिरफ्तारी में सुनिश्चित। मसौढ़ी और जहानाबाद की घटना दोनों लिंक है? बिल्कुल लिंक है, एक ही अभियुक्त है।